हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं प्रतीक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद प्रतीक में। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स की जिसकी ग्रोथ हाई है व फ्यूचर के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं और मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। फ्रेंड्स, स्टॉक्स के बारे में बात करने से पहले आप सबको बता दूं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। इसमें इन्वेस्टमेंट अपने रिस्क पे करें, जितना रिस्क आप ले सकते हैं उतना ही इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करने से पहले खुद भी रिसर्च जरूर कर लें और कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें क्योंकि इससे आप बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। हमारा आज का पहला स्टॉक है इजी माई ट्रिप। ये एक ऑनलाइन ट्रेवल कंपनी है जो कस्टमर को फ्लाइट टिकट्स, होटल बुकिंग्स, हॉलीडे पैकेजेस, ट्रेन टिकट्स वगैरह बुक करवाने में मदद करती है। इनके ऑपरेशन इंडिया के साथ साथ दुबई, मालदीव, सिंगापुर, थाईलैंड जैसी कंट्रीज में भी है। बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 8775 करोड़ है। इसकी इंडस्ट्री पीई 77.9 व स्टॉक पीई 70.1 है। इसकी आरओसी 65.9% व आरओई 52.9% है, जो कि काफी अच्छी है। इसकी प्रमोटर होल्डिंग 74.9% है। इसकी प्लेज परसेंटेज 0 है। इसकी डेब्ट टू इक्विटी 0.17 है, तो इसे हम डेब्ट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। बात करें कंपनी के डेब्ट की, तो इस पे 39.7 करोड़ का डेब्ट है। इसका एनुअल प्रॉफिट 107 करोड़ है। इस कंपनी के पास 6.90 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। अब बात करते हैं इसके प्रोज की, तो इस कंपनी से अच्छा क्वार्टर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कंपनी का पिछले 5 साल का CAGR 39.8% है। इसके पिछले 3 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी 48.1% है। ये कंपनी डिविडेंड भी अच्छा देती है। इस कंपनी ने डेबिटर डेज को भी इम्प्रूव किया है। बात करें इसके कॉन्स की, तो ये कंपनी बुक वैल्यू से 36.8 टाइम्स हाई ट्रेड कर रही है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल ट्रेंड्स की, तो इस कंपनी को पिछले 3 साल में अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और इसकी सेल्स भी इंक्रीज हो रही है। इसे मार्च 2020 में 35 करोड़, मार्च 2021 में 62 करोड़ और मार्च 2022 में 107 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। फ्रेंड्स, फंडामेंटल्स के हिसाब से ये कंपनी काफी अच्छी है और इसके फ्यूचर ग्रोथ भी अच्छा नजर आ रहा है, तो आप इस कंपनी को कंसिडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे दूसरे स्टॉक्स के बारे में, जिसका नाम है सुप्रिया लाइफ साइंस लिमिटेड। ये कंपनी एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट यानी API की मैन्युफैक्चरिंग करती है। API एक ऐसा कंपोनेंट है जो ह्यूमंस या एनिमल में क्योर के लिए यूज होने वाला मेडिसिन में बायोलॉजिकल एक्टिव रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 2687 करोड़ है। इसकी इंडस्ट्री पीई 22.8 व स्टॉक पीई 15.9 है। इसकी आरओसी 43% व आरओई 34.3% है। इसकी प्रमोटर होल्डिंग 68.2% है। इसकी प्लेज परसेंटेज 0 है। इसकी डेब्ट टू इक्विटी 0.04 है, तो आप इसे डेब्ट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। इसका एनुअल प्रॉफिट 152 करोड़ है। इस कंपनी के पास -11 करोड़ का फ्री कैश फ्लो है, जो कि एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है। अब बात करते हैं इसके प्रोज की, तो कंपनी ने अपना डेब्ट रिड्यूस किया है और ये ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। इसके पिछले 5 साल का CAGR 93.1% है, जो काफी अच्छा है। इसका पिछले 3 साल का ROE ट्रैक रिकॉर्ड 45.2% है। बात करें इसके कॉन्स की, तो इसका कोई कॉन्स नहीं है। अब एक नजर डालते हैं इसके फाइनेंशियल ट्रेंड पर, तो आप देख सकते हैं इसकी सेल्स लगातार बढ़ रही है और इसको अच्छा प्रॉफिट भी हो रहा है। मार्च 2020 में इसे 73 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, मार्च 2021 में 124 करोड़ और मार्च 2022 में 152 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। फ्रेंड्स, ये कंपनी लॉन्ग टर्म के हिसाब से काफी अच्छा प्रॉफिट दे सकती है और आप इस कंपनी को कंसीडर कर सकते हैं। अब बात करते हैं हमारे तीसरे स्टॉक के बारे में, जिसका नाम है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड। ये इंडिया का पहला व सबसे बड़ा एनर्जी एक्सचेंज है, जो कि ऑटोमेटिव ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म इलेक्ट्रिसिटी, रिन्यूएबल्स और सर्टिफिकेट्स की फिजिकल डिलीवरी फैसिलिटीज करता है। बात करते हैं इसके फंडामेंटल्स की, तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है। इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 13,651 करोड़ है। इसकी इंडस्ट्री पीई 26 व स्टॉक पीई 44.4 है। इसकी आरओसी 63.3% व आरओई 48.6% है। इसकी डेब्ट टू इक्विटी 0.01 है, तो इसे आप डेब्ट फ्री कंसीडर कर सकते हैं। बात करें इसके डेब्ट की, तो इस कंपनी पे 10 करोड़ का डेब्ट है। इसका एनुअल प्रॉफिट 303 करोड़ है। इस कंपनी के पास
777 करोड़ का फ्री कैश फ्लो भी है। बात करते हैं इसके प्रोज की, तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री है। इसका पिछले 5 साल का CAGR 24.2% है। इसका पिछले 3 साल का ROE ट्रैक रिकॉर्ड 46.9% है। कंपनी अच्छा डिविडेंड भी पे आउट करती है। कंपनी के पिछले 10 साल की सेल्स ग्रोथ 16% है। बात करते हैं इसके कॉन्स की, तो ये कंपनी अपने बुक वैल्यू से 19.8 टाइम्स हाई ट्रेड कर रही है। इसका डेबिटर डेज भी इंक्रीज हो रहा है। अब बात करते हैं इसके फाइनेंशियल ट्रेंड की, तो इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ काफी अच्छी है। इसे मार्च 2020 में 178 करोड़ और मार्च 2021 में 213 करोड़ और मार्च 2022 में 303 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। फंडामेंटल के हिसाब से ये कंपनी काफी अच्छी है और इसका बिजनेस ग्रोथ भी अच्छा है और इसका मार्केट में कंपटीशन भी नहीं है, तो ये कंपनी फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट दे सकती है और मल्टी बैगर कंपनी बन सकती है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, शेयर मार्केट व ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली और भी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू।